Let's talk about the basic drawing in Sufism painting. So there are two methods to draw. पहला है जिसमें आप basic shapes को use करते हैं और दूसरा है जिसमें आप grid technique use करते हैं. Learning के point of view से basic shape is best. और जब आप किसी reference picture के मुताबिक painting कर रहे हैं तो फिर I prefer कि आप grid technique को use करें ताकि आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस का, साइज का, बैलेंस का अंदाजा हो जाए. बेसिक शेप्स में जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा सूफिज्म से हट के बात करें तो आप जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं उन्हें आप कुछ बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक शार्पनर मौजूद है. अब इस शार्पनर की मेरे व्यू पॉइंट के मुताबिक जो शेप बनती है उसे मैं बेसिक शेप्स में डिवाइड करूंगी. बेसिक शेप्स क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेंडर, ट्रायंगल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस. और यहां से अगर हम निकालें तो हमारे पास आती हैं आर्क, और इन आर्क्स की मदद से वी कैन ड्रॉ सो बेसिकली वी कैन से कि आप कोई भी जब शेप बनाते हैं तो वो जो बेसिक कंपोनेंट है इन शेप्स का वो है स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस. स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस, अगर इनमें फ्लो मौजूद है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगी या यहाँ पे कर्व यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट वो शेप बनेगी, तो आप इन दो बेसिक शेप्स को यूज़ करके ये शेप्स सारे ड्रॉ करते हैं और इन शेप्स को आप कॉन्सेप्ट के तौर पे लेते हैं फॉर ड्राइंग एनी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये शार्पनर मौजूद है मेरे सामने तो मैं इसे किस तरह से ड्रॉ करूंगी जो एक रेफरेंस पिक्चर मेरे व्यू पॉइंट से बन रही है. सो आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस यूज हो रही हैं. ठीक, ये जैसे ये आपकी आ गई यहाँ पे एक कर्व लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, और ये भी कर्व, ये स्ट्रेट, ये कर्व, और ये अंदर बाकी जो उसकी शेप मौजूद है वो आ जाएगी. सो जब भी आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, तो आपके लिए ड्रॉ करना
ड्राइंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसान हो जाएगा। सो ये कुछ इस किस्म की शेप मेरे व्यू पॉइंट से इसकी बन रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप पेंसिल को पकड़ेंगे किस तरह से। जब भी आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर तो आप अपने हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट इस तरह। देखें, हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि जब राइटिंग करते हैं तो हम पकड़ते हैं कुछ इस तरह से। जब ड्रॉ करते हैं तो फ्री हैंड होता है, सो वी कैन से दैट कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब अगर मैंने अपना मेरा सरफेस बड़ा है, अब उस सरफेस पे मैंने ड्रॉ करना है, तो मैं अगर इसी तरह से ड्रॉ करूँगी तो मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक यानी इतनी रेंज में मूव कर सकता है, अगर मैं अपनी रिस्ट पर फोकस कर रही हूँ तो। लेकिन अगर मेरा सरफेस बड़ा है, मेरा कैनवस बड़ा है जहाँ पर मैंने ड्रॉ करना है, देन आई विल यूज़ दिस टेक्निक, जिसमें मैं ये इस तरह से मैं पकड़ के ऐसे ड्रॉ करूंगी, क्योंकि प्रिसीजन ड्राइंग होती है जिसमें आप ये टेक्निक यूज करके एग्जैक्ट एक एंड शेप पर पहुंचते हैं। फॉर पेंटिंग्स, यहाँ पर हम स्केचिंग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ आपको काफी एग्जैक्ट चीजें चाहिए, हम यहाँ पे पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो आप फॉर रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, बैकग्राउंड्स को अपने पेंटिंग में, तो वहाँ पर आपके लिए इस अंदाज से ड्राइंग करना इज रियली इनफ। तीसरी चीज़ जो इसमें है वो ये कि सूफिज्म को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक रेफरेंस है, ठीक। अब अगर मैंने यही चीज़ रिक्रिएट करनी है, मैं इसको यहाँ रखते हैं, मैंने यही चीज़ रिक्रिएट करनी है, अगर मैं फ्री हैंड विदाउट मेजरिंग द गैप्स कि यहाँ पर क्या गैप है, यहाँ पर क्या गैप है, हाइट क्या है, यहाँ से क्या चीज़ है, अगर मैंने इस चीज़ को, इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या होगा। आपने विदाउट एनी होमवर्क, ठीक है, विदाउट एनी मेजरमेंट अगर काम स्टार्ट किया तो हो सकता है कि यहां से गैप बढ़ जाए, हो सकता है कि गैप यहां से बढ़ जाए, हो सकता है आपकी जो यहां पे शेप बन रही है ये गलत हो सकता है कि पोस्चर जो आप दिखा रहे हैं और जो जेस्चर आप इस बॉडी का शो कर रहे हैं वो गलत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे जब हम बैलेंस की बात करेंगे। सो बेसिकली आज पहले हम ड्राइंग को देखते हैं और देन हम बात करेंगे कि आप बैलेंस किस तरह से लेकर आते हैं, राइट। सो अगर बेसिक ड्राइंग टेक्निक को यूज करके मैं इस चीज़ को ड्रॉ करूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर ये क्या है, मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूंगी और इसे भी स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूंगी, लाइक दिस। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ से नैरो इनका गैप है और इधर आकर वाइड हो गया। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, पर प्रॉब्लम यह है कि कोई एग्जैक्ट चीज़ आपको इस तरह से बताई जाए कि जिसको यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कोई भी सूफिज्म जेस्चर आप दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे पर्पज़ ये आप लोगों को बाउंड करना नहीं है, बेसिक टेक्निक्स बताना है जिन्हें आप यूज़ करके किसी भी तरह से कोई भी सूफिज्म पेंटिंग कर सकते हैं। और यही गैप आगे मैं थोड़ा सा
फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर यहां से स्ट्रेट लाइन, और फिर ये स्ट्रेट लाइन। सो अच्छा, अब जो दूसरी साइड है यहां से अगर स्टार्ट करें, तो आपने जब भी काम करना है पहले मेजरमेंट्स लिया करें, इसका गैप ये है, यहां ऐसे स्ट्रेट जा रही है, अच्छा ठीक है, अब यहां से कितना डिफरेंस होगा ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप देख सकते हैं, और एक आप स्ट्रेट लाइन यहां पे बनाएंगे कि ये थोड़ा सा इस लुक में आ रहा है कर्व में, ये वाली चीज हो गया। अब उसके बाद फिर आप यहां से एक देंगे स्ट्रेट लाइन, और यहां पर भी स्ट्रेट लाइन होगी, जिससे ये गैप जो यहां पे ज्यादा है ये गैप यहां पर कम हो जाएगा। तो यही प्रैक्टिस आप भी करेंगे, क्योंकि यहां से उठा हुआ है तो इस चीज का खास ख्याल रखें। होता क्या है, मुमकिन तौर पे आप इसको भी बराबर कर देते हैं, आप ये एक स्ट्रेट लाइन दे दें। अब यहां पर अभी तक कोई भी दूसरी शेप मैंने यूज नहीं की, यहां से लेकर यहां और फिर ये सब कुछ स्ट्रेट लाइंस की बेस पर मैंने बना दिया। अब हमने देखना यह है कि बेसिक वॉल्यूम कहां पर दे रहे हैं, राइट, कि हम बेसिक वॉल्यूम कहां पर दे रहे हैं। हमारा वॉल्यूम स्टार्ट हो रहा है यहां तक, और फिर यहां से है यहां तक, फिर जब आप ये काम पर ये टास्क परफॉर्म करेंगे इस पे, आपके लिए इन शेप्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अब आपके पास पोर्शन आ गया, अब आप देख सकते हैं कि जी हाँ, मैंने अगर स्लीव्स दिखाए हैं तो उनका साइज क्या है, क्या यहाँ पर ये चीज और ये पॉइंट, ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है, क्या ये इक्वल है या नहीं। शोल्डर्स की जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, ये चीज़ इक्वल है या नहीं, क्या जेस्चर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप ड्राइंग प्रैक्टिस में ये करेंगे तो हमेशा इक्वल बैलेंस्ड ड्राइंग आपकी होगी। अब फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करते हैं अपने शेप के मुताबिक। अच्छा, अब यहाँ भी देख लें, आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी कोई भी पेंटिंग करें तो आप स्टार्ट लें स्ट्रेट लाइंस से, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस आपको एग्जैक्ट वे में, सही वे में गाइड करती हैं कि कहाँ पर गैप होना चाहिए, कहाँ पर एग्जैक्ट शेप मौजूद होनी चाहिए, कैसा आप ड्रॉ करेंगे, कितना एरिया आपने कवर करना है अपने इस सब्जेक्ट में। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। अब इन स्ट्रेट लाइंस में जहां कहीं कर्व्स हैं उन कर्व्स को आप ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल, पहला कर्व यहां, अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको शेप दे दें। स्ट्रेट लाइन ने आपको ये बता दिया कि आपने स्लीव्स अगर बना रहे हैं आप तो कितने एरिया में बनाने हैं, लाइक आपको लिमिट दिखा देता है। ये भी कर्व में है, थोड़ा सा कर्व यहां पर है, ये चीज यहां से इस तरह उठाया हुआ है कंधा, इसका जो शोल्डर है, और फिर आप
और ये याद रखें एक चीज को कि जब आप इस तरह ड्राइंग कर रहे हैं, अभी आप सिंपल पेपर पे ट्राई करें, ठीक है, और इरेजर यूज़ नहीं करनी है। आपने देखा कहीं पर मैंने इसमें यूज़ किया नहीं। जब आप मिस्टेक्स से डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फिर वहाँ काम ख़राब होता है। काम किस तरह से ख़राब होता है? आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप बेसिकली देखते नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। और ये कुछ उसी शेप में आपके सामने मौजूद। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू ड्रॉ अ बेसिक सूफी शेप, बेसिक डरविश शेप, और फिर आपने जहां जहां पे फ्रिल्स बनानी है आप वो बना सकते हैं। जो आपने लेयर्स फोल्ड्स दिखाने हैं वो आप बना सकते हैं। फोल्ड्स में कलर कैसे करेंगे, फोल्ड्स की क्या चीज़ है, डिटेल्स क्या हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा। बेसिकली हमने जस्ट कुछ बेसिक शेप्स को यूज़ करके एक डरविश कॉस्ट्यूम जो है वो ड्रॉ किया, राइट? अच्छा, दूसरी जो टेक्निक है वो है कि आप ग्रिड को यूज़ करके किस तरह से ड्राइंग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, इससे भी आपकी जो प्रिसीजन है, जो अप्रोप्रिएट या एक्यूरेसी है कि एग्जैक्ट ऐसा ही बना है या नहीं, तो वो काफ़ी हद तक विद प्रैक्टिस, अगर आप ये स्ट्रेट लाइंस और मेजरमेंट्स और इन चीज़ों का बैलेंस का ख्याल रखते हैं, तो राउंड अबाउट आप 95% या 90% यही चीज़ गेन कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर 100% एक्यूरेसी की आप बात करें तो वो आती है ग्रिड में, कि आप ग्रिड टेक्निक को यूज़ करते हैं और जो भी रेफरेंस पिक्चर आपके पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करके पेंटिंग कर सकते हैं। ग्रिड में जो भी आपके पास रेफरेंस पिक्चर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेफरेंस पिक्चर यहाँ ये है, तो मैं इस पर एक ग्रिड अरेंज करूँगी। या दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी पिक्चर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और फोटोशॉप में जाके आप इसके ऊपर ग्रिड अपेयर करते हैं, स्क्रीन आपके सामने है, आप उस ग्रिड को एज रेफरेंस यूज़ करके वैसा ही ग्रिड यहाँ पे बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स का हिसाब ले लें कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर्स हैं, तो उसके मुताबिक आपने पूरा एक ग्रिड तैयार करना है। आप 2-2 सेंटीमीटर का के मुताबिक भी ले सकते हैं। दो जितना ज़्यादा ग्रिड कम होगा, जैसे आप चार्ट पेपर यूज़ करते हैं या सॉरी ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, ग्राफ में क्या है, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक ग्राफ बना हुआ है, उसी तरह यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे। याद रखिएगा ये सारा काम करते हुए आपने बिल्कुल लाइट शेड पेंसिल यूज़ करनी है, बहुत डार्क काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपकी पेंटिंग में नज़र आएगा और उसे हाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल लाइट सा आप काम करेंगे। जितने ज़्यादा आपकी ये स्ट्रेट लाइंस प्रिसाइज होंगी आपके लिए काम करना उतना आसान हो जाएगा।
ये जस्ट पॉइंट लगा के आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है कि आपने स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक लगानी है। इस टेक्निक को यूज़ करके आप जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी रेट 100% है। अगर आप ये जो होमवर्क पहले कर रहे हैं, जो आप बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं इसका, ये काम करने के लिए अगर ये आपने एप्रोप्रिएट वे में ड्रॉ किया है सारा कुछ, तो हमारी रेफरेंस पिक्चर के मुताबिक अगर हम देखें तो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो है 10, 4, यहां से है 10 with 6, यानी ये चीज ये है, और दूसरा है 10 with 9, ये चीज, यानी ये जो ये है ये इसमें कवर होंगे। फिर आप वहां पे देखते हैं कि एग्जैक्ट कितना गैप आ रहा है, आप इसमें ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से गुजर रही है, एग्जैक्ट आपके पास मेजरमेंट्स आ जाते हैं। और आप पॉइंट्स देखते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। ये काम थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आपको शो होगा, जो इसके रिजल्ट में आपके पास चीज बनकर आएगी, दैट विल बी सो एक्यूरेट, राइट, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना। पॉइंट्स देखते जाएंगे और आप इस तरह ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको वो स्ट्रेट लाइंस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसके बगैर ही अपना ये सारा टास्क यहाँ पे कर सकते हैं।
ये चीज। जो एक्स्ट्राज हैं उन्हें आप बाद में रिमूव कर सकते हैं, एक बेस स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगा। सेम आप प्रैक्टिस इस साइड पे करेंगे कि एग्जैक्ट कहाँ से लाइन आप उठा रहे हैं, किधर लाइन लेके जाएंगे, कहाँ से आपने लाइन स्टार्ट की है। अब जो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, ये इन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को मैं रेफरेंस के तौर पे ले रही हूँ। ग्रिड में यह है कि फिर आप इसे फ्री हैंड नहीं कह सकते, आप इसे किसी भी तरह से यानी अपने अंदाज में इसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। आपके पास इतनी फिर चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आप बना ही इसको एग्जैक्ट वैसा रहे हैं जैसा आपको रेफरेंस दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। एट और फोर यानी यहां तक ड्रॉ होगा।
सो इस ग्रिड टेक्निक को यूज करके आप कुछ भी किसी भी तरह से कितना भी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्ट वे में। और इसके बाद आप जितने एक्स्ट्राज हैं ये रिमूव करते हैं, आप ग्रिड सारा रिमूव कर देते हैं। इवन अगर आप कलरिंग में रेफरेंस चाहते हैं तो ग्रिड से आप कलरिंग में भी रेफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये शेड है फिर नेक्स्ट ये शेड आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाती है।